हमने सुना है कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. सच में मुझे पता है, जब मैंने फर्स्ट अपना आई थिंक मोनोलॉग बनाया था और जब मैंने उसे मेल किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. सबके साथ होता है, सबके साथ होता है. एक्टिंग में ये जेन्युइन है, हर कोई फेस करता है. फिर मैंने जब फर्स्ट और वेरी फर्स्ट ऑडिशन देने के लिए गया था, ऑडिशन तो घर में किसी को पता नहीं था. मैंने सोचा था ठीक है, थोड़ी बहुत लाइन होगी. बहुत लंबी लाइन थी और सब कुछ ख़त्म होने वाला था. और इवन सबको, मेरे पीछे भी तकरीबन 12-13 लोग रहे होंगे, वो सब लोग भी रिटर्न हो रहे थे. तो वहाँ पे एक प्रोसीजर होगा, आपको पता होगा कि जो लोग मतलब 50 से, क्योंकि ऐसा होता है कि जो मुकेश छाबरा जी हैं, ना कि उनके बल्कि हर किसी, हर एक कास्टिंग डायरेक्टर या फिर किसी भी ऑडिशन में जब आप जाते हैं, तो जब आपको देखा जाता है कि आप लाइन में लगे हैं और कुछ लोग आपके पीछे रह गए हैं, तो आपके जो इंट्रोज रहते हैं या फिर जो भी आप कुछ पोर्टफोलियो कोई चीज़ आप लेके जाते हैं, जो लोग आपके सराउंडिंग में दिखाई दे रहे होते हैं, वो आपसे बातें करते हैं या आप खुद भी उनसे जा करके बात करते हैं. हर कोई करता है, ये एक जेन्युइन प्रोसीजर है, हर कोई फॉलो करता है, बताता है कि आगे का क्या होने वाला है. और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि हमने कई फील्ड पे देखा होगा कि जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या ऑडिशन देने जाते हैं, दोनों में फ़र्क होता है. कहीं और पे जब आप ये सोचते हैं कि ठीक है भाई नहीं काम हुआ तो हम निकल जाते हैं, पर एक्टिंग या फिर कह सकते फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपका काम नहीं भी बना, वी वर्क फॉर फ्यूचर. हम ये समझ कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है. दिस इज़ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री. यहाँ पे आपको जब भी देख लिया जाता है, आप किसी की आंखों में एक बार आ गए, तो यकीन मानिए ही इज़ द वन जो आपको ज़रूर वापस बुलाएगा. और मुकेश छाबरा जी के पास तो आई थिंक अगर आप उनकी किसी भी एक स्पॉट बॉय या फिर किसी भी एक की भी नज़रों में आ गए ना, तो यकीन मानिए वो एक ऐसे इंसान है जो आपको 9 साल, वो 3 साल का एक देते हैं लेकिन 9 साल, वो लाइफ टाइम वो आपको अपनी आंखों में कैद कर लेते कि इस इंसान ने ऐसे किया. तो जब हम सब कुछ लोग बाकी थे, हर कोई किससे बात करनी हो, बट आई एम वेरी शाय. मैं उनको समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या बोलना है और क्या करना है. बट मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था और जो बैठी हुई थी रिसेप्शन, निकलने का जो जगह, आप वहाँ पे 3 गेट्स है, आपको पता होगा कि कैंटीन के जब आप राइट लेफ्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप वहाँ से एंटर करते हैं, कुछ खाने पीने के, तो मैंने सोचा पानी लेती हूँ उसके बाद में निकल. तो जब मैं पानी लेकर के वापस आई तो मैंने सोचा कि अब जा रही हूँ, कम से कम मैं वहाँ से मैम का नाम तो पूछ लेती हूँ. बहुत कम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सर इस इनफैक्ट सर उस समय वो निकल ही रहे थे और उनके साथ 2-3 आई थिंक कुछ लोग थे उनके. तो उन्होंने मैं उनके सामने ही जाके कि सर मैं भी आई थी ऑडिशन देने के लिए, तब तक सर वहाँ से निकले. सिर्फ मुझे ये था कि मैं सर को बता सकूँ कि सर मैं ऑडिशन के लिए आई थी. मुझे नहीं पता सर को कितना याद होगा. आई थिंक जब आपको हमारा सितारा चमकेगा तो सर को याद आ ही जाएगा. तो मैंने कहा कि सर मैं भी ऑडिशन देने के लिए आई थी, आप एक बार मुझे देख लीजिए, क्या मैं सायरा वसीम की तरह दिखती हूँ, क्या मैं उनकी तरह दिखती हूँ, क्या मैं किसी कैरेक्टर में सूट हो सकती हूँ. तो सर ने बोला बेटा घर पे जाओ, रात काफ़ी हो गई है. मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, सर ने बेटा बोला इसका मतलब सर को याद तो रह जाऊँगी मैं. उसके बाद से आज तक, क्योंकि ऑफकोर्स उसके बाद आई थिंक उन्हीं की तरफ से किसी ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम्हारा फेस अच्छा है बट आई थिंक तुम्हें अपने एक्टिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तुम्हें कैरेक्टर, जो कैरेक्टर समझ में आते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, और जिस वक्त तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा फिर तुम्हें यहाँ पे किसी भी एक्ट को मिलने में टाइम नहीं लगेगा. एंड आई थिंक उसके बाद ही मेरा मोटिवेशन बढ़ा. दैन आफ्टर दैट मैंने जितना हो सके मैंने अपने आप को कैमरे से पास रखने की कोशिश की, सो दैट मुझे कैमरे से उतना प्यार हो जाए कि मैं जब भी उसके सामने जाऊँ अपने आप से प्यार कर लूँ और कह सकूँ जो भी
मुझे कहना है. सो इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ सर. सर को कितना याद है पता नहीं, बट येस इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एवर आई फील एवर. एंड सर अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे वापस एक बार देख लो, क्या मेरा कॉन्फिडेंस स्टेब्लिश हुआ या नहीं. थैंक यू.